तो सचिन आज आपको एक ऐसे पेशेंट को दिखाने वाला हूँ और हम बहुत सारी जो हमारी मिथ हैं वो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि नेवर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो हट जाता है और इसके लिए मुझसे समस्या हो जाती है, और MBBS डॉक्टर जो उसको नहीं मानते उनको भी मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नाभि की है ये तो 100% है। हमारे देश की जो चिकित्सा पद्धति है, भारत की जो अपनी चिकित्सा पद्धति है, हम उसको भूलकर जो विदेश की चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे देश में गुलामी के टाइम पर जो हमें हमारे ऊपर थोपी गई, हम उसको मानने लगते हैं और अपने देश की चिकित्सा पद्धति को भूल जाते हैं। MBBS डॉक्टर ये कहते हैं कि नाभि मतलब होती नहीं है, कुछ हटती नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए MBBS डॉक्टर जो होते हैं वो जब व्यक्ति मर जाता है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसका बॉडी को चीर फाड़ करके देखते हैं। वो कहते हैं इस नाभि टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर कुछ होती नहीं है, ठीक है, मतलब पेट में नाभि टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो जीवित व्यक्ति पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको देखते हैं, तो एक बहुत पल्स टाइप की, मतलब बहुत छोटी सी पल्स टाइप की यहाँ पर हमें उठती दिखाई देती है, उठा पल की साउंड आती है अगर हम ये छूते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो नहीं होती है, अगर मान लो वो बीच में नहीं है, कहीं साइड है, तो मैंने देखा है 100% लोगों पे देखा है कि उसके पेट में प्रॉब्लम होती होती है, तो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, जिम चलाना और बॉडी की ग्रोथ ना होना, ये सारी समस्याएं उसकी बॉडी में आती हैं। पर MBBS डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिसकी बीच की जो साउंड होती है वो साइड होने के बाद उसकी कॉन्स्टिपेशन क्यों रहता है, इसका मतलब कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होती ही है। देखिए अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किस पेशेंट का यहाँ पर नाभि से साइड में, इधर की साइड में ये ऊपर को डपक की साउंड आ रही है, और इनको भयंकर नले हैं और नाभि हटी तो है ही, और साथ में कॉन्स्टिपेशन इतना तगड़ा बहुत ज़्यादा है। सिम्टम्स साफ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वीकनेस कितनी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 4 साल से ये परेशान है। तो फ्रेंड, जो MBBS डॉक्टर है या उनसे कोई दवाई खा रहा है MBBS डॉक्टर से, तो ये बात समझ लीजिए, अगर आपकी नाभि हटी हुई है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर सकता, मतलब डॉक्टर आपको नाड़ी मर्दन के लिए मतलब न्यूरोथेरेपी या फिर देसी थेरेपी से आपके आसपास में कोई इस प्रकार का ट्रीटमेंट देता है, तो आपको उसे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा जब भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, टेस्ट करके किसी व्यक्ति के पास घूम रहे हैं जो आपको गुमराह कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को सावधान रखिए ऐसे लोगों से जो आपको दवाइयाँ खा खा मार देंगे और आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर जानकारी और मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।